Hi everyone, I'm Aditi and I'm going to describe the structure of inner ear. In the last video, we have seen the diagrammatic view of ear, and as you know, ear comprises of three further parts, that is middle ear, outer ear and the inner ear portion. So, अगर हम inner ear की बात करें तो inner ear जो है it is made up of labyrinth. अब लैब्रियंथ क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है लैब्रियंथ. तो लैब्रियंथ का क्या मतलब है कि फ्लूड फील्ड पोर्शन होता है. अब कहाँ पे फ्लूड फील्ड पोर्शन होता है, कोकलिया में, क्योंकि कोकलिया जो है वो इनर ईयर का मेजर पार्ट है. ठीक है, उसकी मेजर फंक्शनिंग है इधर इनर ईयर में. सो लैब्रियंथ जो अंदर फ्लूड फील्ड भरा हुआ है, फ्लूड फील्ड पोर्शन है, उसे हम कहेंगे लैब्रियंथ. ठीक है, नाउ दिस इज द रफ व्यू ऑफ कोकलिया. अब हम देखेंगे कि कोकलिया का फर्दर स्ट्रक्चर और फर्दर फंक्शनिंग क्या है. ठीक है, अगर मैं इस मतलब ये जो कोकलिया जो है, जो हमारा ये बल्जी कोल्ड पोर्शन है, अगर इसकी मैं एक रो की बात करूँ तो दिस इज़ अ रफ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ईच वन रो. ठीक है, ये जो एक मतलब आप कह सकते हैं कोइल कह सकते हैं. ठीक है, सो हेयर हेयर आर द थ्री रीजन्स. ठीक है, यहाँ पे तीन रीजन्स हैं. ठीक है, मतलब जो एक कोइल पोर्शन के अंदर तीन रीजन मेजर हैं, कौन कौन से, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड द थर्ड वन इज स्केला टिम्पैनी. नाउ अगर हम इधर हम बात करें, यहाँ के ये जो मेम्ब्रेन है, जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, या फिर जो मेम्ब्रेन है जिन्होंने इन दोनों मतलब अंदर के लिम्फ को वहाँ पे स्टेबल कर रखा है, तो वो है बोनी लैब्रियंथ. ओके, एंड द इनर साइड पोर्शन इज फिल्ड विद द लिम्फ, दैट लिम्फ इज कॉल्ड एज पेरिलिम्फ. उसके बाद इसके अंदर एक कैनाल, या आप कह सकते हैं ट्यूबुलर सिस्टम है. ठीक है, उसे हम कहते हैं मेम्ब्रेनियस लैब्रियंथ. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ईयर है मतलब हर पोर्शन इंटरकनेक्टेड है, अब यहाँ पे जो इनर ईयर के साथ मिडल ईयर का पोर्शन कनेक्टेड होगा. ठीक है, तो मिडल ईयर का जो थर्ड ईयर ओसिकल होता है, दैट इज स्टेपिस या फिर स्टीरो, वो कनेक्टेड होगा किसके साथ, कोकलिया पोर्शन के साथ. ठीक है, बट वो किसके थ्रू कनेक्टेड होगा, यहाँ पे एक विंडो होगी, दिस इज द विंडो. ठीक है, जो क्या करेगी, वाइब्रेशन को मिडल ईयर से इनर ईयर तक पहुँचाएगी. अब इस विंडो को हम नाम देते हैं ओवल विंडो या फिर फिनेस्ट्रा ओवेलिस. अब हम बात करते हैं कि जो मतलब हमारा एंडिंग पार्ट है, वहाँ पे भी एक विंडो है, क्योंकि वहाँ से भी जो है वाइब्रेशन ट्रांसमिट होंगी. तो यहाँ पे जो विंडो है उसका नाम है राउंड विंडो, उसे हम कहते हैं राउंड विंडो या फिर फिनेस्ट्रा रोटंडस. अब ये जो है, ये राउंड विंडो जो है, ये एज अ रिलीफ वॉल्व काम करती है. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें स्केला मीडिया की, ठीक है, यहाँ पे जो लिम्फ भरा हुआ है, यहाँ पे पेरिलिम्फ था. ठीक है, अब स्केला मीडिया में जो लिम्फ भरा हुआ है, ठीक है, या फिर फ्लूड भरा हुआ है, उसे कहते हैं एंडोलिम्फ. ठीक है, और यहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स हैं, यहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स हैं जिसका नाम है बेसिलर मेम्ब्रेन और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. तो इस पोर्शन के साथ, दिस पोर्शन के साथ यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होगी बेसिलर मेम्ब्रेन होगी, मतलब बेस है, बेस में मेम्ब्रेन है. ठीक है, वो मेम्ब्रेन के साथ कुछ मतलब सेल, कुछ ऑर्गन्स होंगे, मतलब वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जिसके बीच में हेयर सेल्स होंगे. ठीक है, रिसेप्टर्स होंगे और स्टीरोसीलिया होगा. तो या इन ऑर्गन मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं या जो भी ये रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गन्स ऑफ कोर्टाई. ठीक है, अब जो ऑर्गन्स ऑफ कोर्टाई है, अब वो भी किसी के साथ कनेक्टेड होंगे. जो उसका अपर पोर्शन है वो किसी मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होगा, वो कनेक्टेड होता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है दिस पोर्शन. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास स्टेपिस भी कनेक्टेड है और साथ में ये कोकलिया के साथ कनेक्टेड है, बट यहाँ पे कुछ और भी पोर्शन हैं जो यहाँ पे उसके साथ कनेक्टेड है, मतलब इनर ईयर के साथ कनेक्टेड है. अब वो मैं ऑर्गन यहाँ पे बता रही हूँ मैं.
अगर हम इस पार्ट की बात करें तो यहाँ पे कुछ कैनाल्स हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज सेमी सर्कुलर कैनाल्स। यहाँ पे तीन मेजर, मतलब तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, ठीक है, दे ऑल दे लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सब जो है 90 डिग्री पे होते हैं, यू कैन सी 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और इसी पोर्शन को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके नीचे जो होता है एक रीजन, मतलब सेमी सर्कुलर कैनाल के नीचे जो रीजन होता है जिसे हम कहते हैं एम्पुला, ठीक है, यहाँ पे क्रिस्टे एम्पुलरिस होता है, ठीक है, एम्पुला। उसके बाद यहाँ पे दो बल्जी पोर्शन है, स्वोलन पार्ट है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ऑटोलिथ ऑर्गन। ये मोस्टली जो होते हैं स्टोनी, मतलब स्टोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट्स के बने होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स और ऑटोलिथ ऑर्गन को दोनों को कंबाइन करते हैं, मतलब फिर इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, वेस्टिबुलर अपरेटस, ठीक है। अब वेस्टिबुलर अपरेटस में ये जो पोर्शन है इसकी बहुत मेजर फंक्शनिंग है। ऑटोलिथ ऑर्गन जो है यहाँ पे मैंने बनाया है, यू कैन सी हियर कि सेम वही पोर्शन है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, ये जो अपर पोर्शन है इसे हम कहते हैं क्रिस्टे, ठीक है, एंड जो इसका लोअर पोर्शन है, सेकंड जो बल्ज्ड पोर्शन है, उसे हम कहते हैं सेक्यूल। और उसके बाद जो अंदर इसके स्पेस है उसे हम कहते हैं मैक्यूला, ठीक है, उसके क्या कहते हैं हम, मैक्यूला। और उसके बाद अगर हम देखें क्रिस्टे और सेक्यूल का फंक्शन, तो इनका बहुत ही मेजर फंक्शन है, ठीक है, ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। तो इनका यही फंक्शनिंग है, ठीक है, क्रिस्टे और सेक्यूल का क्या फंक्शन है कि ये हमारे बॉडी पोस्चर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब हमारा ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया। अब हमें बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, कि यहाँ से जो वाइब्स आती हैं वो कैसे, मतलब फर्दर ट्रांसमिट होती हैं। अब हमें पता है कि पिना ने क्या किया, आउटर इन्वायरमेंट से जो वाइब्रेशंस थी, या फिर हाँ जो वाइब्रेशंस थे उन्होंने कलेक्ट की, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिट करते करते सिग्नल कहाँ पहुँच गया, सिग्नल हमारा पहुँचा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक वाया एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से होते हुए वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे पहुंचा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, एयर ड्रम जो भी कह सकते हैं, ठीक है, उसको उसने वाइब्रेट किया। अब वाइब्रेट करके वो कहाँ से गुजरा, मिडल एयर से, मिडल एयर मतलब मैलियस, इंकस और स्टेपीज। यहाँ जब वो तीनों एयर ऑसिकल से गुजरा, उसके बाद वो कहाँ पहुँचा, कोक्लिया पोर्शन में। तो ऑब्वियसली वाइब्रेशन ट्रांसमिट हो रही है तो कोक्लिया में भी वाइब्रेशंस होगी, यहाँ पर तो वैसे भी फ्लूड है, ठीक है, लिम्फ है, तो ये वाइब्रेट करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, ये वाइब्रेट करता करता ये पूरे पोर्शन को वाइब्रेट कर देगा। यहाँ से ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई भी जो है वो सारे, मतलब अपने रिसेप्टर से वो सिग्नल को ट्रांसमिट कर देंगे फर्दर, ठीक है, सब वाइब्रेट करेंगे। और इसी के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगी हमारी जो वाइब्रेशंस आ रही हैं, वो ट्रांसमिट होकर कहाँ पहुँच जाएंगे, ऑडिटरी नर्व में। अब ऑडिटरी नर्व कहाँ से कनेक्टेड है, वो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कनेक्टेड है, मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स मतलब जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है हमारा ब्रेन का, ठीक है, वहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, वो इस स्टिमुलाई को गेन करेंगे और देन वो रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे और, जो ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई है, ये ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई जो है कुछ एफरेंट नर्व के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, जो एफरेंट नर्व है वो भी मतलब ब्रेन की तरफ को ही स्टिमुलाई पास आउट करेंगी, ठीक है। और जो नेक्स्ट मेजर पोर्शन आता है यहाँ पे एयर ओसिकल्स का, मतलब पूरे एयर स्ट्रक्चर में एयर ओसिकल का, या एयर ओसिकल मतलब ओसिकल्स इन्हें इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये बहुत ही स्मॉल जो है बोन्स होती हैं, ठीक है। और ये जो ओसिकल है, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से और भी बनता है कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो हमारी बॉडी की है वो कौन सी है, तो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो है उसे हम कहते हैं स्टेपीज। तो ये था हमारा इनर ईयर का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे मैंने आपको डिस्क्राइब किया
कि कैसे जो है हमारा रिस्पॉन्स मतलब सॉरी स्टिमुलाई जो है या सिग्नल जो है या जो भी वाइब एज अ सिग्नल आ रही है वो कैसे ट्रांसमिट होकर हमारे ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचती हैं।